हाय, अंदर आओ। हेलो डॉक्टर, मुझे दर्द हो रहा है। एक सेकंड रुको, मैं पहले पैसे दूंगी। ये निकल नहीं रहे, ये बहुत सारे हैं। ये लो। वाह, आखिरकार अमीर पेशेंट। खैर, कैसा लग रहा है? अपना पेट दिखाओ। ये देखो डॉक्टर, मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? खैर, ये सुंदर है ना? ठीक है, चलो अब एग्जामिन करते हैं। अल्ट्रासाउंड से शुरू करते हैं। यहाँ क्या है? ये अजीब है। ये बहुत दिलचस्प केस है, मुझे इसे ध्यान से देखना होगा। हे डॉक्टर, अगर मेरी डिलीवरी अभी कर दो तो। हाँ हाँ बिल्कुल, हम सब कुछ अभी कर देंगे। हाँ, ये रहा तुम्हारा बच्चा। बधाई हो, ये बहुत सुंदर लड़की है। हाय हनी, आज से तुम मेरी प्रिंसेस हो। ये इस पर अच्छा लग रहा है ना? मैं यहाँ हूँ, चलो इस पल की फोटो खिंचवा लो। ओ हाँ प्लीज, एक सेकंड रुको, मैं भूल गया था, अब सब कुछ ठीक है। शुक्रिया, पोज बनाओ। ओ, ये बहुत प्यारी है। इस तरह से मत खड़े रहो, क्या तुम दूसरे बच्चे के बारे में भूल गए? बधाई हो जेसिका, अब प्रिंसेस का भाई है। अच्छा हेल्दी बेबी, ये लो इसे पकड़ो। इसने ये क्या पहना हुआ है? मुझे जो मिला मैंने उसी में ही इसे लपेट दिया। एक मिनट रुको। खैर ठीक है, तुम्हारे लिए भी क्राउन है। बच्चे ये लो, शायद इसके लिए ये बढ़िया रहेगा। बिल्कुल, इसकी तरह लग रहा है, ये अच्छा है। तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की फोटो ले। हाँ ये अच्छा आइडिया है। चलो, बैटरी खत्म हो गई। बिल्कुल, मैं इस कार्डबोर्ड पर तुम्हारी फोटो बनाता हूँ। हिलना मत, इसे पता भी है ड्रॉ कैसे करते हैं। हो गया, ये रही यादगार पिक्चर। ठीक है ठीक है। ओह डॉक्टर, ऐसा लग रहा है मुझे फिर से दर्द हो रहा है। क्या मजाक कर रही हो? शांत हो जाओ, गहरी सांस लो। तुमने मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया, मुझे लगा कि अल्ट्रासाउंड गलत हो गया था। इसे मुझे दो। ओह जान, हेलो, ये तुम्हारे लिए है। खैर, मैं अपने बच्चों को कब देखूंगा? वो रहे, डैडी से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। हेलो मेरे बच्चों, तुम कैसे हो? ये बहुत सुंदर है ना? मेरे पास इनके लिए कुछ खास है। सच में? क्या है? ये देखो, ये हाथों से बनाए हुए हैं। वाह, ये बहुत सुंदर है। तुम्हारे पास गरीब वाले के लिए है? ओह, ये तुम्हारे लिए है प्रिंसेस, और ये तुम्हारे लिए डियर। लेकिन ये अभी भी रो क्यों रहे हैं? कुछ करो। लेकिन क्या? ओह मुझे पता है, ये काम कर जाएगा। देखो मम्मी के पास क्या है। ये लो, मुझे कुछ और चाहिए। समझ गई, तुम सबसे सुंदर दिखोगी। और कंट्रोलर, मेरी गोल्ड लिपस्टिक का क्या? और क्या? हाँ, मेरी लड़की के लिए सबसे नया स्मार्टफोन। और ये रहा तुम्हारा फोन, फिर भी रो रही है। ओह मैं समझ गई, इसे बिंग की चाहिए। तुम्हारा सोने से बना हुआ है, और तुम ये कार्डबोर्ड वाला रखो। आखिरकार ये शांत हुए। क्या? नहीं, हम भूल गए, ये बच्चों को कुछ खिलाने का समय है। ओह आखिरकार, बच्चों को संभालना आसान नहीं है, हमें कमरे को सजाना होगा। बिल्कुल, ये काया के लिए है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। शानदार, कितना अच्छा लग रहा है। और ये जेट के लिए है। हो गया, सुंदर लग रहा है। तुमने देखा, इसकी आंखें तुम्हारी जैसी है, खुद देख लो। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। अब ठीक है, मुझे हमारा बर्थडे बहुत पसंद है। बधाई हो भाई, मॉमी आ गई। हैप्पी बर्थडे। वाह कितना सुंदर केक है। विश मांगो डार्लिंग, मैं बहुत ज्यादा खुश रहना चाहती हूँ। शुक्रिया मॉमी। मॉम, और मेरे लिए केक कहाँ है? आज मेरा भी बर्थडे है। ओह हाँ, एक मिनट रुको, ये लो थोड़े और। मुबारक हो। शुक्रिया। ओह मैं गिफ्ट के बारे में भूल ही गई थी। काया, ये तुम्हारे लिए है, और ये भी तुम्हारे लिए है। खैर चलो देखें इसमें क्या है। चलो। आउच, ओह आराम से, मेरा बैलेंस बिगड़ रहा है। उफ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मॉम, बेटा तुम्हें पता भी है ये वास कितने का था? इसके पैसे भरने के लिए तुम्हें जॉब करनी होगी, और इसे साफ करो। मैं सफाई करने के अलावा कुछ और नहीं कर सकता। ठीक है चलो शुरू करें। गरीब जेट को अपना बर्थडे ऐसे ही मनाने का डर था। वैसे भी वो हैरान नहीं है, क्योंकि उसे बचपन से ही इन सब चीजों की आदत हो चुकी है। अंदर आओ, अंदर आओ। तो अब हम एक्सेसरीज चुनेंगे। ग्लासेस लो। और क्या? ओह ये भी तुम पर अच्छा लगेगा। बैग कैसा रहेगा? हाँ हम ये ले रहे हैं। खैर खैर,
हाँ मॉम, रुको, मैं ये सारी चीजें नहीं पकड़ सकती। कितना अच्छा नेकलेस है, ये लो इसे पकड़ो, और कुछ इयर रिंग्स भी। खैर मुझे इन सब की क्या जरूरत है, लेकिन तुम्हें जरूरत है। सुंदर ड्रेस है, ये भी तुम्हारे काम आएगी। कोई जरूरत नहीं है मॉम, मेरे पास पहले ही एक है। और हम ये भी लेंगे, ब्लू कलर तुम पर अच्छा लगता है। मेरे पास पहले से ही बहुत सारी ड्रेसेस है, मैं इन सब से तंग आ चुकी हूँ। अजीब बर्थडे है ना। मुझे बताओ, क्या आप अपनी छुट्टी ऐसे बिताना चाहोगे, कमेंट्स में लिखें। खैर अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, अब ये बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। ओह नहीं, ये ग्लू खत्म हो जाएगी और मेरा हाथ चिपक गया। ओह ये टुकड़े, मैं भूल गया था। ओह नहीं, आउच, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे जाने दो बेकार रैग, इसने क्या किया है। अगर मॉम ने ये देख लिया, मॉम इसे मार डालेंगी। मुझे कुछ करना होगा। हेलो, हमें सफाई करवानी है। पैसों की चिंता मत करना, ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। हम आ गए, आपने हमें बुलाया। हेलो, तुम बाईं तरफ काम करो और मैं दाईं तरफ काम करती हूँ, चलो शुरू करें। खैर मैं काम करने जा रहा हूँ। ठीक है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये किस तरह का भूत है, तुम बस काम करो, क्या ध्यान मत दो। मैं अमीर लोगों को कभी नहीं समझ पाया। ये लो तुम्हारा रिवॉर्ड। शुक्रिया, वेलकम, शायद मैंने अच्छा काम किया था। हाँ हाँ, गुड बाय। फ्री हो गए, ये कितना साफ है। हे ध्यान से, ओह मुझे सच में जॉब ढूंढनी होगी। लड़कियों शांत रहो, मैं तुम सबको ऑटोग्राफ दूंगा। तुम्हें याद है हम तुम्हारे प्लेन पर गए थे। हाँ बहुत मजा आया था। अच्छी बात है कि मैं अमीर हूँ, फिर से वही लोग। हाँ काया और मैं इटली में डायमंड्स उठाते हुए मिले थे। ओह रे, तुम्हें यहाँ देखना कितनी बड़ी बात है, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। क्या तुम लेटेस्ट गाना गाओगे। हे मैन, हमारी पिक्चर लोगे। हाँ बिल्कुल, स्माइल करो। ये लो, वाह कितनी अच्छी फोटो है, मैं वीआईपी पार्टी करूंगी। चलो मैं वहाँ आ जाऊंगी, पक्का। भाई मैं पार्टी कर रही हूँ, क्या तुम आओगे। पार्टी, माफ करना मैं नहीं आ सकता, मुझे कुछ काम है। कोई बहाने नहीं चलेंगे, ये लो तुम्हारे लिए सूटकेस, अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। चलो शर्माओ मत, अब तुम कुछ भी खरीद सकते हो। शुक्रिया बहन। हे काया, तुम इस गरीब इंसान को जानती हो। नहीं तुम नहीं समझ रहे, मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ। खैर चलो देखें। क्या कार्डबोर्ड, लगता है जेट को डिलीवरी मैन वाला काम ही जारी रखना होगा। मैं दिन में सपने देख रहा था। ये लो आपका पिज्जा। हाँ हाँ एक मिनट रुको, ये लो पैसे। कार्डबोर्ड, हे मैं आपका खाना लाया हूँ। सच में सिर्फ कार्डबोर्ड, मैं पैसे नहीं कमा सकता, मेरी किस्मत में सिर्फ गरीब होना ही है। यहाँ क्या है, क्या यहाँ कुछ खाने के लिए है। मैं एक कप चाय पीऊंगी। ये खाली है। ओ हाँ फिर से गोल्ड, ये सब कब बंद होगा। हाँ मैं पैनकेक्स बनाऊंगी और ऊपर। मुझे हैरानी क्यों नहीं हो रही, अगर इसमें स्ट्यू हुआ तो इस घर में नाश्ता भी नहीं कर सकते। काश मेरे पास जूसी बर्गर होता, शायद मुझे यहाँ कुछ मिल सकता है। ठीक है बस बहुत हुआ। ओह कम से कम कुछ खाने को मिला। खैर मैं इससे तंग आ चुकी हूँ, पूरा दिन काम करने के बाद मुझे बहुत भूख लग रही है। खैर चलो देखें। एओ, ये फ्रिज हमेशा खाली होता है, और इसमें से इतनी बेकार बदबू क्यों आती है, सिर्फ छिलका बचा है। वाह नया स्मार्टफोन, क्या क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। वैसे उस पार्टी का क्या हुआ। हाँ मैं वहाँ खा लूंगा, यहाँ सारे सेलिब्रिटीज हैं। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, ये ड्रे फॉक्स है, हम सबका प्यारा। मजे करना। हे तुम रुको, तुम कहाँ जा रहे हो। पार्टी में, मेरे पास इनविटेशन है, चलो देखें। खैर खैर समझ गया, तुम पक्का जेनिटर हो, ये पकड़ो अब जाओ। नहीं तुम नहीं समझ रहे, वो लड़की मेरी बहन है। वो, मैं नहीं मानूंगा। ठीक है यहाँ देखो, मेरे पास बस यही है, ये उसे दे देना प्लीज। गरीब जेट, ये देखकर बुरा लगता है कि उसकी जिंदगी उसकी बहन से कितनी अलग है। मिस काया, मुझे ये आपको देने के लिए बोला है। क्या, ये जेट का पेंडेंट है, मैं ये लेकर उसके पास जाऊंगी। यहाँ बहुत ठंड और अकेलापन है। हे जेटी देखो, क्या ये मेरे लिए है, मैं गरीब नहीं रहना चाहता। ये बधाई हो भाई, तुम मेरे बारे में नहीं भूली।
और ये लो गिफ्ट। मजे करना। वाह बहुत बढ़िया। हे काया चलो फोटो ले, स्माइल। इसमें क्या है? हम बहुत प्यारे लग रहे हैं। तुम्हें पता है तुम्हारा पेंडेंट मेरे पास है, ये लो वापस ले लो। ओह शुक्रिया, अब मैं अमीर हूँ। ये सब पेंडेंट की वजह से हुआ, हमने वो एक दूसरे के पहन लिए। वापस कर दे। नहीं नहीं नहीं, अब अमीर होने की बारी तुम्हारी है। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। क्या आप किसी अपने के लिए गरीब हो सकते हो? हमें कमेंट्स में बताएं।